यूपी के सीतापुर में ट्रिपल मर्डर के विरोध में आज व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि कल रात दाल व्यापारी सुनील कुमार, उनकी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें व्यापारियों में रोष है। ये वारदात सिविल लाइंस कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां पर दाल व्यापारी सुनील कुमार अपनी दाल की दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने घर पहुंचे ही थे। वहां पर मौजूद 5 लुटेरों ने सुनील को गोली मार दी और बाइक की डिग्गी से बैग में रखे रुपये को लेकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर बाहर आई सुनील की पत्नी कामिनी और बेटे ऋतिक ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने उन्हें भी गोली मारी और मौत की नींद सुला दी। इस दौरान एक राहगीर मनीष ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए। इस वारदात से इलाके में सनसनी मची हुई है। दो मोटरसाइकिल पे दो लोग आए रुमाल बांध के और उन्होंने जैसे मोटरसाइकिल उस बंदे ने खड़ी की, उसकी मोटरसाइकिल छीनने लगे, उसका बैग तोड़ा, तमंचा निकाल लिए। तब तक एक महिला अंदर से निकली, उसको भी मारने पीटने लगे, तो हमको अच्छा नहीं लगा, हमने कहा बचा लेते हैं। जैसे बचाने की कोशिश हमने की, उन्होंने तुरंत उस आदमी गोली मार दी जो उसके साथ दिमाग में लगी है। मैं लग गोली मारी, कोशिश की मुंह में डालने की, हम बचाए जा रहे थे, उसके मार दी। मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, मुझे मारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मुझे सब 12 फुट के छत पे लगे हैं, ये देख लीजिए सब लगे हैं, मैंने बचाने बहुत कोशिश की। विवेचनात्मक कार्रवाई है, वो ढंग से की जाएगी निश्चित रूप से। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये एक शातिराना हमला है और मैं कह सकता हूँ कि उद्देश्य लूट का ही होगा। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है। हम सारे पहलुओं पर विचार करेंगे, देखेंगे कि कोई शत्रुता का बैकग्राउंड ना हो इसमें। हो सकता है कोई पुरानी रंजिश हो जिसका बदला लिया गया हो। सारे पहलुओं पे, सारे आयामों पे विधिवत विचार होगा और पुलिस को जो करना है वो हम ढंग से करेंगे। इसके परिणाम सामने आएंगे और हमलावर शीघ्र पकड़े जाएंगे, मैं ये भरोसा दे सकता हूँ।